बीजेपी के लिए अच्छे परिणाम असम से आ रहे हैं, तो वहीं कुछ और राज्यों में बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है। ये परिणाम बीजेपी के लिए ऑक्सीजन के तौर पर काम करेंगे, जिससे आने वाले दिनों में पार्टी का जनाधार तो बढ़ेगा ही, साथ ही जिन राज्यों में उम्मीद भी नहीं थी उन राज्यों में खाता खुलने से पार्टी में उम्मीद भी जगेगी। असम में पार्टी सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है, तो वहीं भले ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता के करीब नहीं पहुंच पाई, लेकिन प्रदर्शन के परिणाम इतने बुरे भी नहीं हैं। बीजेपी के हाथ से कुछ फिसला है तो वो है तमिलनाडु। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। तमिलनाडु में बुरे प्रदर्शन पर स्वामी ने कहा, हम यहाँ ध्रुवीकरण में फंस गए, अगले लोकसभा चुनाव में हम यहाँ हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ेंगे और जीतेंगे। जयललिता के बाद बीजेपी ही राज्य की सत्ता में आएगी। आपको बता दें कि स्वामी का गृह राज्य तमिलनाडु ही है। यहाँ चुनाव में जयललिता को एक तरफा जीत मिली है। साथ ही स्वामी ने कहा, केरल, बंगाल और असम में बीजेपी ने वैसा ही प्रदर्शन किया है जैसे प्रदर्शन की हमें उम्मीद थी। हम केरल के इतिहास में पहली बार विधानसभा में एंट्री करने जा रहे हैं। इसके पीछे मोदी जी का नाम और अमित शाह की मेहनत है। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।